आज फिर आंखें नम लाए हो क्या, महफिल से नजरें छुपाए बैठे हो, आज फिर आंखें नम लाए हो क्या, और शायरी का शौक रखते हो, शायरी का शौक रखते हो, सीने में भर कर गम लाए हो क्या, महफिल से नजरें छुपाए बैठे हो, आज फिर आंखें नम लाए हो क्या, और सोचते होगे ज़रूर कि ये गम कम क्यों नहीं होता, सोचते होगे ज़रूर कि ये गम कम क्यों नहीं होता, खुदा के घर में साथ हम लाए हो क्या, महफिल से नजरें छुपाए बैठे हो, आज फिर आंखें नम लाए हो क्या, और सीने में खालीपन है फिर भी बोझ लगता है, सीने में खालीपन है फिर भी बोझ लगता है, ये आँखों में नमी का सुरमा हर रोज़ लगता है, ये आँखों में नमी का सुरमा हर रोज़ लगता है, और पहरेदार हो उसके, पहरेदार हो उसके अपने पाले में हर सितम लाए हो क्या, महफिल से नज़रें छुपाए बैठे हो, आज फिर आँखें नम लाए हो क्या, आज फिर आँखें नम लाए हो क्या। और जो पोइट्री है मेरी वो इंटरकास्ट मैरिजेस पर है, जो एक सवाल मेरे दिल को हर रोज़ सताता है, एक सवाल मेरे दिल को हर रोज़ सताता है कि क्या सच में हमारा धर्म हमें प्यार सिखाता है, कि क्या सच में हमारा धर्म हमें प्यार सिखाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्यार की सीमा कोई जाती नहीं और कई प्यार करने वालों को यूं रुलाती नहीं, और अगर ऐसा होता तो कई जिंदगी ताज़िंदगी बस अफसोस न करती और हर आंखों को अश्रु सरोवर हर रोज़ न करती। क्या एक सवाल मेरे दिल को हर रोज़ सताता है कि क्या हमारा धर्म सच में हमें प्यार सिखाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुक्ला सोनकर से प्यार करने से डरता नहीं और हर आशिक ज़िंदगी कुर्बान करता नहीं, अगर ऐसा होता तो आशिक इस दुनिया में बदनाम ना होता और पुराणों में इश्क सबसे पवित्र काम ना होता। शुक्रिया।